नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आप सबका सहर्ष स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी सुलभ भारती मराठी इसका 25 नंबर का अध्याय शाळेतील एक दिवस यानी स्कूल में का एक दिन, इसे हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर स्कूल का एक हॉल दिया हुआ है, जैसे कि आपके स्कूल में भी इसी तरह की का एक बड़ा सा हॉल होता होगा। फिर आपके स्कूल में जब वार्षिक उत्सव होते हैं या किसी प्रकार की कोई कंपटीशन होती है तो उसी हॉल में जो है सब कुछ बनाया जाता है। आज यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों रंगोली प्रदर्शन लिखा हुआ है, यानी कि रंगोली की प्रतियोगिता है। प्रदर्शन यानी क्या बच्चों? एग्जीबिशन है ना, और हमने अभी प्रदर्शन लेसन पढ़ा था कि नहीं, प्रदर्शन का मतलब होता है एग्जीबिशन। यहाँ पे रंगोली प्रदर्शन लगा हुआ है, जो बच्चों ने रंगोलियाँ बनाई है ना वो सब यहाँ पे दिखाई हुई है। ये देखो, यहाँ मेहमान आए हुए हैं जो रंगोली को देख रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। इधर देखो आपके टीचर खड़े हैं, इधर लड़कियाँ खड़ी है, इधर सब लड़के खड़े हैं। इस तरह से ये चित्र में बताया गया है। ये जो देखो स्कूल के बाहर गेट के बाहर यहाँ रिक्शा खड़ी है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। सामना यानी मैच, अचूक जो न चुके एक्यूरेट, गोलंदाजी यानी गेंदबाजी बॉलिंग, षटकार यानी सिक्सर या छक्का, संघ यानी टीम, रंगोली यानी रंगोली, रंगोली इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता कंपटीशन, दीवा यानी दिया या लाइट, षटकोण यानी छः कोणों वाला हेक्सागन, पाहुणे यानी मेहमान होस्ट, वाट पाहणे यानी इंतजार करना टू वेट, कौतुक यानी प्रशंसा करना अप्रिसिएशन। अब देखो बच्चों, यहाँ स्कूल का बताया गया है कि स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ क्या खेल रहे हैं बच्चों। ये देखो बैट है, ये सब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों। अब यहाँ एका आणि म्हणा यानी सुनो और बोलो, आज शाळेत धमाल झाली यानी आज स्कूल में मजा की, धमाल मस्ती है ना, बहुत मस्ती की, आम्ही खूब कमाल के लिए, हमने बहुत मजा की। यहाँ पे आज शाळेत धमाल झाली यानी बहुत मस्ती हुई, आम्ही खूब कमाल के लिए यानी हमने बहुत मजा किया, सकाळी क्रिकेट चा सामना झाला, सकाळी यानी सुबह क्रिकेट का सामना यानी मैच हुआ, दीपाली ने अचूक गोलंदाजी के लिए, अब लड़के और लड़की दोनों मिलके खेल रहे थे, उसमें से दीपाली ने एकदम एक्यूरेट गेंदबाजी की है ना, बॉलिंग किया, रिया ने दोन षटकार मारले, और रिया नाम की जो लड़की थी ना उसने दो षटकार यानी छक्के सिक्सर मारे, आणि आमचा संघ जीतला, और इसलिए हमारा टीम जो है वह जीत गई। तो बच्चों समझ में आया आज स्कूल में कितनी मजा आई होगी, मुलानों सर्व मुलांनी खूब धमाल के लिए, खूब मस्ती के लिए, खूब कमाल म्हणजे मज्जा के लिए, सकाळी क्रिकेटचा सामना होता शाळेमध्ये, दीपालीने त्यात खूप छान गोलंदाजी केली, आणि रियाने तर दोन षटकार मारले म्हणजे सिक्सर मारले, आणि मग त्यांची टीम जिंकली। पुढे बघूया, दुपारच्या सकाळी मॅच झाला, आता दुपारच्या वेळेला दुपारी मुला मुलींसाठी रांगोळी स्पर्धा होती, ही बघा ही रांगोळी स्पर्धा, मग या इथे स्पर्धेमध्ये मुलांनी रांगोळ्या काढलेल्या आहे। बघा मुलांनो, रितेशने जिराफचे चित्र काढले, इथे बघा हा जिराफचा चित्र दिसतोय ना, ही रांगोळी कोणी काढली आहे? रितेशने। बबिताने दिवा काढला, आता हे बघा इथे दिवा दिसतोय की नाही, हा दिवा काढला आहे बबिताने, आणि कविताने बदक काढले, कविताने बघा इथे ही बदकाची रांगोळी दिसते की नाही, ही कविताने काढली आहे। इथे बघा जितूने षटकोनात रांगोळी काढली, जितू नावाच्या मुलांनी हे बघा षटकोण दिसतंय ना, ह्या षटकोणामध्ये ही रांगोळी काढली आहे इथे, कळलं? आणि सगळे पाहुण्यांची वाट पाहू लागले। जेव्हा या सगळ्या मुलांच्या रांगोळ्या काढून झाल्या तोपर्यंत पाहुणे आलेले नव्हते, मग सर्व मुलं पाहुण्यांची वाट बघत होते। बच्चों दोपहर में यानी आफ्टरनून में स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए रंगोली की कंपटीशन रखी गई थी। रितेश ने जिराफ के चित्र काढले, रितेश ने जिराफ का चित्र बनाया रंगोली में, बबीता ने दीवा काढला, बबीता ने रंगोली में दिए का चित्र बनाया, कविता ने बदक काढले और कविता नाम की लड़की ने बदक बनाया, जीतू ने षटकोणात रांगोळी काढली और जीतू ने इसे षटकोण में यहाँ पर ये रांगोली बनाई,
सगळे पाहुण्यांची वाट पाहू लागले और जब ये रंगोलियां बना के हो गई तब तक मेहमान नहीं आए थे। ये देखो यहाँ पे मेहमान दिख रहे नहीं है, पूरी रंगोली बन चुकी थी तब तक नहीं आए थे, तो सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, वाट बघणे यानी इंतज़ार करना। आगे देखो पाहुणे ही रिक्शा नहीं आले, मतलब ये जो मेहमान है ना पाहुणे, ये रिक्शा में बैठ के आई है। स्कूल के बाहर क्या खड़ी है बच्चों? रिक्शा खड़ी है, इसमें बैठ कर ये मेहमान आए। रंगोलियां पाहिल्या, फिर उन्होंने ये रंगोलियां सब देखी किसने कैसी बनाई है, सगळ्यांचे कौतुक केले। और फिर जिन बच्चों ने ये रंगोलियां बनाई थी ना उनकी सबकी खूब प्रशंसा की। आज सा दिवस मजेत गेला और आज का दिन बहुत मज़े में गया, अच्छे से गया। तो बच्चों जब स्कूल में ऐसा कुछ होता है तो आप सबको बड़ी मजा आती है ना। तो देखो बच्चों पहा एका म्हणा वाचा, देखो सुनो बोलो और पढ़ो। ये क्या है बच्चों? जिराफ। ये है दीवा। ये है बदक। ये है षटकोण। षटकोण यानी छः कोणों वाला। आप देखो बच्चों एक दो तीन चार पाँच और छः, इसको कितने कोण है? छः कोण है, इसलिए इसको षटकोण बोला जाता है। ये क्या है बच्चों? रिक्शा। ऐसे लिखते हैं रिक्शा। देखो शब्द एका म्हणा, अब इसको सुन के आपको बोलना है मेरे साथ, बोलो दिवस, दीपाली, रिया, षटकार, रितेश, जिराफ, बबीता, दीवा, बदक, षटकोण, रिक्षा, जीतू। वेरी गुड। आता इथे बघा शब्द एकायने सुनो पहायने देखो सारख्या अक्षरान खाली रेखोड़ा, यानी एक जैसे जो अक्षर आपको दिख रहे हो उसके नीचे लाइन खींचो, सारखे अक्षर है वाचा और एक जैसे जो अक्षर हैं उनको पढ़ो। दी व स दीवा, इसमें दी और दी के नीचे अंडरलाइन लगाना है, दोनों एक जैसे है। रिया रिक्शा रितेश, इसमें री 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 ये कॉमन है, इनके नीचे अंडरलाइन करना है। जिराफ जीतू जी जी ये कॉमन है। षटकोण षटकार, इसमें षट षट ये क्या है? कॉमन है। बबीता बदक, ब ब शब्द क्या है? ब ब अक्षर क्या है? कॉमन है, इनके नीचे लाइन खींचना है। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सकाळी कशाचा सामना होता? सुबह कौन किसका सामना था? तो सकाळी क्रिकेट सा सामना होता, सुबह क्रिकेट का सामना था। अचूक गोलंदाजी कोणी केली? अचूक गोलंदाजी गेंदबाजी किसने की थी? दीपाली ने। आगे देखते हैं दोन षटकार कोणी मारले? रिया ने दोन षटकार मारले। किसने दो छक्के मारे? रिया ने। दुपारी कसली प्रतियोगिता होती? दोपहर में कौन सी प्रतियोगिता थी? दुपारी रांगोळीची प्रतियोगिता होती, दोपहर में रांगोली की प्रतियोगिता थी। रितेश ने काय काढले? रितेश ने जिराफचे चित्र काढले। क्या बनाया था रितेश ने? जिराफ का चित्र। बबीता ने काय काढले? बबीता ने दीवा काढला। इथे यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इस जगह पे यहाँ पे आप बबीता लिखोगे, ये कविता लिखा है ना इसको काट के आपको लिखना है ऐसा, बबीता ने, ठीक है, बबीता ने दीवा काढला। कविता ने काय काढले? कविता ने बदक काढले। षटकोणात रांगोळी कोणी काढली? यानी षटकोण के अंदर रांगोली किसने बनाई? तो षटकोणात रांगोळी रितेश ने काढली, यानी षटकोण में रांगोली रितेश ने बनाई। पाहुणे कशाने आले? यानी मेहमान कैसे आए थे? पाहुणे रिक्षाने आले, मेहमान रिक्षा से आए थे। सर्वांचे कौतुक कोणी केले? सबका कौतुक प्रशंसा किसने किया? सर्वांचे कौतुक पाहुण्यांनी केले। अब यहाँ पे ये जो यानी लिखा है इसको कट कर देना है, सर्वांचे कौतुक पाहुण्यांनी केले ऐसे लिखना है, यानी सबकी प्रशंसा मेहमानों ने की। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए। बच्चों अब आपके जो है 3 या 4 लेसन और बचे हैं, फिर आपका ये तीसरे का पूरा पोर्शन ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे इस चैनल पर आपको तीसरी की पूरी किताब जो है अपलोड हो जाएगी 2-3 दिन में ही। तो मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।